हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड आया फ्रेंड्स वो किस किस राज्य के लिए फ्रेंड्स, कौन कौन से राज्य वाले स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कैसे डाउनलोड करना फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, बीच में मत छोड़िएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम अपना मोबाइल में यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर ओपन किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स, आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, लिख दीजिएगा पे सरकारी उजाला डॉट कॉम। ठीक है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे फ्रेंड्स जितने भी जॉब होते हैं फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड होते हैं, ये जो भी होता है फ्रेंड्स अपडेट, इस वेबसाइट पे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, सरकारी उजाला डॉट कॉम लिखने के बाद फ्रेंड्स हम सर्च कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे आ गए फ्रेंड्स, ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है SSC दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड 2020 जारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और नहीं तो फिर नीचे आकर यहाँ पे देख सकते हैं, एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ फ्रेंड्स SSC दिल्ली पुलिस एडमिट कार्ड। ठीक है, न्यू, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस दिखाई देगा फ्रेंड्स, इस पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2020। ठीक है, आप यहां पे पूरा पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, पोस्ट नेम है कॉन्स्टेबल। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर द फ्रेंड्स, नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लिंक्स यहां पे आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड यहां पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, नीचे आएगा तो आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ यहां पे अभी सिर्फ यूपी और बिहार की लिंक एक्टिव है। ठीक है, सबसे जरूरी बात आप यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है अभी सिर्फ यूपी और बिहार की लिंक एक्टिव है। ठीक है, दूसरे राज्य की लिंक जल्द एक्टिव होगी, कृपया चेक करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे राज्य की लिंक जल्द एक्टिव होगी, कृपया चेक करते रहें। तो अभी आप सभी जान सकते हैं फ्रेंड्स, अभी सिर्फ यूपी और बिहार की लिंक एक्टिव है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही और भी लिंक एक्टिव होता है फ्रेंड्स दूसरे राज्यों की, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी हम चेक करके आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूपी और बिहार वाले पे भी हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आप यहां पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पे पढ़ सकते हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहां पे अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सिटी सिलेक्ट करके आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने यहाँ पे एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर रोल नंबर नहीं है फ्रेंड्स, रोल नंबर नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम सिटी, ठीक है, और फिर यहाँ पे वेरीफाई ह्यूमन, ये डालकर आप अपना एडमिट कार्ड को आराम से सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, आराम से आप अपना एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए हर तरह के जितने भी न्यूज़ आते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए हम इस चैनल पे सबसे पहले पहुंचाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।